अच्छा एक और मजीद मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, वो एग्जांपल होती है लॉटरी की। लॉटरी जो वर्ड आपने बचपन से सुना हुआ कि यार लॉटरी निकल गई लॉटरी निकल गई, इसका जरा मतलब क्या है, ये होता क्या है? पाकिस्तान में तो बैन है ये, मुझे नहीं पता कि छुपके कसीनो में चल रहा है नहीं कर रहा, लेकिन ऑफिशियली तौर पर बैन है ये, क्योंकि गैम्बलिंग जुए के अंदर आता है और आई गेस सूरह मायदा के अंदर जुआ और शराब इन दोनों को बोला गया कि हराम है, सूरह मायदा के अंदर है शायद ये। तो हमारे मुल्क में तो बैन है, लेकिन बाहर के मुल्क में काफी लॉटरी के गेम खेले जाते हैं। इस लॉटरी के गेम में कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व होती है। कैसे इन्वॉल्व होती है, इसके पहले आपको गेम को समझना है। लॉटरी के गेम बेसिकली होते हैं कि आपने बस नंबर चूज करना होता है, अगर वो नंबर जो आपके पास है और जो विनिंग नंबर है वो मैच करके आपकी लॉटरी निकल गई, ये बेसिकली मकसद होता है। डिफरेंट गेम्स होते हैं, लेकिन एक जो मशहूर गेम है ना जो लॉटरी के अंदर होता है उसको आप लोटो कहते हो, LOTTO। उसमें होता क्या है, उसमें भाई मैंने खुद नहीं खेली भी, मैंने पढ़ा हुआ है, गेम सीखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है। तो उसमें होता यह है कि आप कोई टिकट आपके ऊपर रखा होता है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए रखा हुआ आपके ऊपर कि यार उस लॉटरी में जब आपने शरीक होना है ना तो 500 रुपए का टिकट लेना है आपको। आप 500 रुपए टिकट लेते हो, एंटर हो जाते हो, दैट्स इट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लोटो गेम है एक, उधर आप जाओगे, आप कोई भी 6 नंबर पिक कर लेते हो, जनरली ये मेथड फॉलो होता है। टिकट आपने शुरू में दे दिया एंटर होने के लिए, ठीक है। अब आपको बोला जाएगा भाई कोई भी 6 नंबर पिक कर लो, ज्यादातर 1 से लेके 50 के दरमियान कोई भी नंबर पिक किया जाता है। 1 से लेके 50 के दरमियान कोई भी रैंडम 6 नंबर आप पिक कर लो, या कोई लाइन ही पिक कर लो, जैसे वो सीरीज होता है ना ईद में भी, वो आमतौर पर जब वो करारे करारे नोट होते हैं तो वो सीरीज वाले लिए होते हैं। सीरीज वाले का मतलब क्या है कि मतलब मैं नोट ले आता हूँ, नोट किधर है भाई, नोट किधर है, ये रहो भाई, अमीर हो गया मैं यार, 500 का नोट है। अगर आप इसमें देखो ना लिखा हुआ है KT7802954, तो जो सीरीज के होते हैं ना, फॉर एग्जांपल 50 नोट है तो इनमें सीरीज क्या चल रही है, 2954 2955, मैं एंड के बता रहा हूँ कि 2955 56 57 5, पूरी सीरीज चल रही होती है। इसी तरह अगर आप बॉन्ड लेते हो प्राइस बॉन्ड, उसमें भी एक होता है, कुछ लोग रेंडम नंबर के लेते हैं या कोई सीरीज ही ले लेते हैं उठा के पूरी, इसको हम रख देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। तो या तो पूरी लाइन ले सकते हो कि 6 सीक्वेंस में नंबर ले लो, 40 41 42 43 44 45, या आप रैंडम 6 नंबर पिक कर लो, आपने वो नंबर पिक कर लिए। उसके बाद क्या होगा, कोई भी एक डे है जिसमें वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, और रिजल्ट क्या होगा कि वो कोई भी 6 नंबर पिक करेंगे, वो जो 6 नंबर है विनिंग नंबर है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 पिक कर लिया, उन्होंने 10 पिक कर लिया, उन्होंने 4 पिक कर लिया, उन्होंने 11 पिक कर लिया, उन्होंने 20 पिक कर लिया, उन्होंने 26 पिक कर लिया। अब उन्होंने 6 नंबर पिक किए, अगर किसी बंदे ने जो 6 नंबर खुद सेलेक्ट किए थे, अगर एग्जैक्टली वो 6 नंबर जो रिजल्ट आया है उसमें वो पिक किए गए हैं, मतलब उसके 6 नंबर और रिजल्ट में जो विनिंग नंबर है वो सब 6 नंबर आपस में मैच कर जाएंगे, तो उसको आप कहते हो कि उसकी लॉटरी निकल गई है, उस पर एक बहुत बड़ा इनाम होता है। अगर उसके कुछ नंबर मैच हुए, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2-3 लिया था और विनिंग नंबर में भी 2-3 है, मतलब 2-3 नंबर मैंने मैच कर रहे हैं, गिफ्ट आपको प्राइस पे भी मिलता है लेकिन वो छोटा प्राइस मिलता है। जो लॉटरी निकलने का मतलब ये होता है कि आपके विनिंग नंबर और उसके विनिंग नंबर आपस में क्या कर गए, मैच कर गए एग्जैक्टली सारे, तो उसको आप कहते हैं लॉटरी विन करना। अब आप लोग बोलोगे कॉम्बिनेशन कहां से आ गई है, कॉम्बिनेशन ये है कि आप जो बंदा विनिंग नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल उसने कौन कौन से नंबर सेलेक्ट किए, इसी को कर लेते हैं, उसने 1 2 3 7 9, ये 6 नंबर उसने सेलेक्ट किए। अब इसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, वो पहले 2 को सेलेक्ट करे, वो पहले 4 को सेलेक्ट करे, वो 7 को करे, 9 को करे, 1 को करे, 4 को करे, बात एक ही है, या वो इस ऑर्डर में करे, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता, क्योंकि असल चीज क्या है कि नंबर्स कौन से हैं उसके पास, ये नहीं कि किस ऑर्डर में उसने सेलेक्ट किए हैं, उसको कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। तो यहां पे आप यूज करोगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा यहां पे। इसी तरीके से जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना इसकी, कि आपके जीतने के चांस कितने, लॉटरी लगने के चांस कितने हैं, तो क्या पॉसिबिलिटी है यहां पे, टोटल 50 नंबर थे, 50 में से उसने 6 पिक करने हैं रिजल्ट निकालने के लिए, तो फॉर्मूला क्या होगा, 50C6, 50 में से 6 सेलेक्ट करने हैं उसने। अब अगर आप यहां पे 50P6 लिख दोगे ना, तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा होगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी गलत निकलेगी। तो दैट्स व्हाई बताने के लिए कि यहां पे 50C6 होगा, कॉम्बिनेशन आप यूज करोगे, क्योंकि यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप परमोटेशन कंसीडर करोगे, तो एक परमोटेशन ये होगी, एक इसके अंदर ये होगी, तो मैटर करती है बात, कि यार आपने 9-7 कर लिया, भाई क्या फर्क पड़ रहा है, यहां पे सिलेक्शन तो एक ही है, नंबर तो 6 वही है, ठीक है, तो सिलेक्शन मैटर नहीं करेगी, आप क्या यूज करोगे, कॉम्बिनेशन यूज करोगे। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ये होगी 1/n, मैं प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला बताऊंगा कहां से आया, लेकिन 1/ टोटल, टोटल कितने तरीके से 6 नंबर पिक किए जाते हैं वो ये है, और आपने जो 6 नंबर पिक किए वो एक कॉम्बिनेशन पिक किए आपने, तो 1/ टोटल, ये आपको प्रोबेबिलिटी पता चलेगी।
और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी आएगी, दैट्स वाई लॉटरी जीतने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसको ऑड्स भी आप कहते हो, प्रोबेबिलिटी को ऑड्स भी बोला जाता है ना, तो बहुत ही कम ऑड्स होते हैं कि आप लॉटरी जीत सको। लेकिन ये फॉर्मूला होता है, अब ये मैथ है, मैथ इन्वॉल्व है, तो अभी मैंने कहा था टॉपिक्स इतने इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको रियल लाइफ से इन्वॉल्व करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा पढ़ते हुए। तो ये लॉटरी का गेम है। और मेरे पास कोई एग्जाम्पल है या नहीं? अब जरा अगर आप कॉम्बिनेशन की बात सॉरी कार्ड्स की बात करोगे ना, हमने काफी एग्जाम्पल्स देखी है जो जिसमें आपको पता है कॉम्बिनेशन अभी नेचुरल है। ये जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस की थी ये नेचुरल एग्जाम्पल थी। नेचुरल एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पे नेचुरल कॉम्बिनेशन आपने यूज करनी है, परमोटेशन इन्वॉल्व नहीं होगी यहाँ पे। तो इसी तरीके से अब जो हम यूज करेंगे, एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो नेचुरल एग्जाम्पल सारी बताई मैंने आपको। एक एग्जाम्पल बताई थी जिसमें फोर्सफुली आपको कर देंगे, और बाकी एग्जाम्पल बताएंगे जिसमें नेचुरली आपको पता चल जाएगा यार के क्या चीज यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करोगे या यहाँ पे परमोटेशन यूज करोगे। इसी तरीके की एग्जाम्पल एक और है कार्ड्स वाली। अब मैं कार्ड्स वाली एग्जाम्पल देने से पहले मैं कार्ड्स के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये बात अभी प्रोबेबिलिटी में बहुत दफा आएगी। जब बात कार्ड्स की आ गई है तो आप जरा देख लो ये होता क्या है। यार कार्ड्स एक बहुत ही मशहूर गेम है जो फ्रेंच इंग्लिश पता नहीं कौन कौन खेलते थे, डिफरेंट वर्जन है, लेकिन जो सबसे मशहूर वर्जन है जिनके सवाल भी आते हैं और जो नॉर्मली लोग खेलते भी हैं, मैंने भी खेला लेकिन भूल गया हूँ, तो लेकिन याद है मुझे इनमें क्या क्या चीजें होती थी, जीतते किस तरह थे वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। क्लासिफिकेशन मुझे पता है इसमें किस किस्म के कार्ड्स होते हैं जो कि आपको सवाल में काम आने, खेलना किस तरीके से वो सवाल में कोई नहीं आएगा। पर कार्ड्स में ना आप देखोगे दो मेन कैटेगरी होती है रंग के हिसाब से। आपको 26 टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ये ध्यान में रखो, 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से आपके पास जो रेड कार्ड है वो 26 होंगे और जो ब्लैक कार्ड है वो यहां पे 26 होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके चार सूट होते हैं, सूट SUIT, ये इसको आप बोलते हो कि नाम रखे हैं उन्होंने, चार कैटेगरी हैं। अब ये चार कैटेगरी का मतलब क्या है, क्यों बनाएंगे, इसकी एक रीजन भी मैं आपको बताता हूं, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन हिस्ट्री में आती है वो। जो इसमें 26 में दो सूट, इसी तरह ब्लैक में दो सूट, 13-13 के होते हैं। तो इसके अंदर डायमंड आप बोलते हो डायमंड के कार्ड जो 13 होते हैं, इसी तरीके से रेड कार्ड में एक होते हैं हार्ट के कार्ड, वो भी 13 होते हैं। जो ब्लैक कार्ड है ना उसमें दो सूट कौन से होते हैं, एक होता है क्लब जिसके 13 कार्ड है और एक होता है स्पेड जिसके भी 13 कार्ड है। तो इनको आप चार सूट कहते हो, SUIT, डायमंड हार्ट क्लब स्पेड, सही है। अब इनको ये नाम दिए हुए क्यों है, मैंने एक रीजन पढ़ी थी आप लोगों के शौक के लिए बता देता हूँ। वो कह रहे हैं हिस्ट्री में ये आती है, अब अल्लाह बेहतर जानता है, और भी रीजन आती हैं काफी, लेकिन ये जो उन्होंने बनाया हुआ ना गेम, वो कह रहे थे कि ये रिप्रेजेंट करता है सोसाइटीज के लेवल को, मतलब डिफरेंट सोसाइटीज को, डिफरेंट तबकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेड का मतलब होता है स्वॉर्ड, तलवार, तो ये रिप्रेजेंट करता था नोबल जो लोग हैं या जो फौज में होते हैं आर्मी में होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता था। इसी तरह ये जो डायमंड है, क्लब की बात करते हैं, क्लब जो है मैंने पढ़ा था किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या ये जो किसान टाइप के थे ना लोग उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एक और मतलब भी था, बोटॉन्स कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे, लेकिन ऐसे थोड़ा नीचे वाला तबका वहां के लिए आप यूज करते थे। उसके बाद जहां तक बात है डायमंड की, तो डायमंड आप कंसिडर करते थे जो आपके वो होते थे, डायमंड का मैं बोली हूं, हार्ट का मुझे याद है, हार्ट का था कि जो चर्च में क्लर्की होता है ना, क्लर्की जहां तक मैंने पढ़ा है, क्योंकि भाई मैं मुसलमान हूं मुझे नहीं पता इन चीजों का, सीखने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन मैंने की नहीं अभी कोशिश, इंशाल्लाह करूंगा फ्यूचर में भी, लेकिन जहां तक मैंने गूगल पे पढ़ा है तो क्लर्की उनका एक प्रीस्ट टाइप का कह लो होता है चर्च के अंदर, जो चीजों को हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस में ये भी कॉन्सेप्ट होता है, भाई पढ़ा हुआ सुना हुआ एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, कि अगर उसमें वो लोग का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आप गुनाह कर लो पहले, गुनाह करने के बाद चर्च में जाओ, जैसे हम फिदिया देते हैं ना वैसे वो फिदिया दे देते हैं, फिदिया देने के बाद आपके वो गुनाह धुल गए, ये कॉन्सेप्ट है कि गुनाह कर लो उसके बाद जाके चर्च में आप वो फिदिया दे लो, गुनाह आपका माफ हो जाएगा। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, बाकी ये है नहीं नहीं सुना है ये पढ़ा हुआ भी है। तो हार्ट रिप्रेजेंट करता था उन क्लर्की को जो वहां पे होते थे। उसके बाद डायमंड भी किसी चीज को रिप्रेजेंट करता था, मैं नीचे लिख दूंगा कि क्या चीज थी, मेरे ध्यान में नहीं रही अभी वो। दोबारा ये हम मुद्दे पे आ जाते हैं कि 26 रेड थे 26 ब्लैक थे, ये इसके अंदर दो सूट हैं, इसके अंदर दो सूट हैं, 13-13 कार्ड होते हैं हर एक के अंदर। उसके बाद इन 13 कार्ड में क्या कैटेगरी होती है, 13 कार्ड में आपको हर कैटेगरी सेम ही है, ये जो मैं लिखने लगा हूं डायमंड के लिए बाकी के लिए भी सेम ही है, कि जो 13 कार्ड है ना इसमें से जो 9 कार्ड है वो नंबर वाले कार्ड होते हैं। नंबर वाले कार्ड का मतलब सबसे पहला कार्ड होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
ये जो कार्ड है ना, ये 9 कार्ड बनेंगे, इसमें नंबर लिखे होंगे, यही 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 10 तक। तो ये 9 कार्ड जो है इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। बाकी चार कार्ड कौन से होते हैं? बाकी चार कार्ड होते हैं उसमें से सबसे पहला होता है एस, फिर होता है जैक, क्वीन, किंग। एस का नंबर 1 होता है, जैक का नंबर आई गेस 11, ये 12 और ये 13 नंबर है। ये इस टाइप का होता है नंबर होता है। इन पे नंबर लिखा हुआ नहीं होता, नंबर कार्ड नहीं है इन पे, एस, जैक, क्वीन, किंग लिखा होता है, लेकिन कंसीडर इनको ये किया जाता है 1, 11, 12, 13। गेम के अंदर जो रूल्स है ना उसमें ये चीजें काम आती है। मुझे एग्जैक्ट रूल्स नहीं याद क्या होते हैं उसके अंदर, पर तो ये चार कार्ड ये होते हैं और 9 कार्ड नंबर होते हैं। सेम हार्ट के अंदर भी ये होगा, हार्ट के अंदर भी मतलब ये जो 2 है ये 2 डायमंड के अंदर भी है। इसी तरह एक 2 होगा जो हार्ट वाला होगा, एक 2 होगा जो क्लब वाला होगा, एक 2 होगा जो स्पेड वाला होगा। इसी तरीके से एक जैक होगा डायमंड का, एक जैक होगा हार्ट का, एक जैक क्लब का, एक स्पेड का। मतलब सेम 13 कार्ड है हार्ट के अंदर भी, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी। बस फर्क ये होगा, इस वाले को आप बोलोगे जैक ऑफ डायमंड, डायमंड का जैक, इसको आप बोलोगे जैक ऑफ हार्ट, हार्ट का जैक, ये जैक ऑफ क्लब। मतलब ये फर्क होगा, लेकिन होंगे सब जैक के कार्ड ही होंगे। चारों के अंदर आपको एक जैक मिलेगा, चारों के अंदर क्वीन मिलेगी, सब ये होता है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी की भी लिख दो। और आखिरी चीज क्या है कि एक और टर्मिनोलॉजी आप यूज करते हो, फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं? तो फेस कार्ड के अंदर आपके पास 3 कार्ड आते हैं। फेस कार्ड के अंदर कौन कौन से होते हैं? जैक, क्वीन और किंग, इनको आप फेस कार्ड कहते हो। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 फेस कार्ड होते हैं भाई। 3 इसके अंदर, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग। तो ये टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं इसके अंदर। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं जैक के कितने कार्ड हैं, जैक के 4 कार्ड हैं। एक होगा जैक डायमंड का, हार्ट का, क्लब का, स्पेड का। इसी तरीके से एस कितने? एस भी 4 है, एक डायमंड का, एक हार्ट का, क्लब का, स्पेड का। तो ये सब जो चीजें हैं ना, जो आपको प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर ये सवाल यूज होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में दोबारा नहीं बताऊंगा, इस चीज को नोट कर लेना अपने पास, ये एक टाइप का टेबल बना लेना। ये जो मैंने इधर बनाया ना, सेम आप इसके साथ बना देना, सेम इसके साथ, सेम इसके साथ, प्रॉपर आपके पूरे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। नंबर कार्ड मैंने बता दी क्या क्या नंबर होते हैं, इनके नंबर भी मैंने बता दिए, इनमें नंबर लिखे नहीं होते, इनमें वो तस्वीरें भी बनाई होती है उन्होंने। और फेस कार्ड भी बता दिए कि 12 फेस कार्ड है, इनसे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा प्रोबेबिलिटी में हम देख लेंगे। तो कॉम्बिनेशन मैं इनको क्यों डिस्कस करना चाह रहा था, कॉम्बिनेशन वाली एग्जांपल सुन लो, इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा था इनको कि बच्चों अगर आपको बोला जाए कि 52 कार्ड्स हैं, उसमें से आपने कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं। अब यहां पे मैटर नहीं करता कि आपने किस ऑर्डर में सेलेक्ट किए। फॉर एग्जाम्पल आप 2 सेलेक्ट कर रहे हो, एक डायमंड का और आपने 9 सेलेक्ट किया स्पेड का। अब ये मैटर नहीं करता आपने किस ऑर्डर में सेलेक्ट किए, क्योंकि नेचुरली अगर आप ये देखो, आपको बोला जाए कि आपके पास 2 कार्ड आने चाहिए सेलेक्ट करने हैं आपने, अब किस ऑर्डर में कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता। असल चीज है आपके पास 2 कार्ड है कौन से, सेलेक्ट आपने क्या किया, ये मैटर करता है। आपने फॉर एग्जांपल 52 में से सबसे पहले 2 ऑफ डायमंड उठाया, फिर आपने 9 ऑफ स्पेड उठाया, अब ये मैटर नहीं करता। ये चीज अलग नहीं है कि पहले आप 9 ऑफ स्पेड उठा लो फिर 2 ऑफ डायमंड उठा लो, एक ही बात है, क्योंकि यहां पे ऑर्डर मैटर करता नहीं है। यहां पे मैटर करता है कि आपके पास आए 2 कौन से कार्ड है। अब ये एक तरीका है 2 कार्ड उठाने का, अलग तरीका ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने 2 ऑफ डायमंड उठाया और 8 ऑफ स्पेड उठा लिया। अब ये अलग चीज है पूरी कि आपकी सिलेक्शन डिफरेंट है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है यहां पे, जो आपने सेलेक्ट किया वो डिफरेंट होना चाहिए। अब इसमें मैंने 2 डिफरेंट कार्ड सेलेक्ट किए, डायमंड वाला तो सेम ही है लेकिन स्पेड में मैंने 8 कर लिया, अब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो मैंने इतनी कॉम्बिनेशन की एग्जांपल दी है कि अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि नेचुरली आपको समझ आ जाएगा कि यार सवाल इसके अंदर बैठते ही नहीं है। इसी तरीके से एक और सवाल जो आप 7.3 में देखोगे, जो कॉम्बिनेशन में बड़ा मशहूर सवाल है, कि इसमें होता है कि आपके पास 5 मर्द हैं, 6 औरतें हैं, उसमें से आपने कमेटी बनानी है 3 लोगों की। अब देखो 3 लोगों की कमेटी अगर आपने बनानी, किस तरीके से बनाएंगे बाद में देख लेंगे, 3 कमेटी अगर आपको बनानी है तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपने फॉर एग्जांपल 2 मर्द को सेलेक्ट किया, साद और हमजा, मैं हर एग्जांपल में साद और हमजा देता हूं, अब मैटर नहीं करता आपने हमजा पहले किया या साद पहले किया। असल चीज क्या है कि 3 कमेटी के अंदर साद, हमजा और तीसरा हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल सना, तो साथ हमजा सना, ये 2 मर्द 1 औरत को आपने सेलेक्ट किया। अब किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया भाई ये मैटर नहीं करता, असल चीज ये कि कमेटी में 3 लोग कौन से हैं, सिलेक्शन क्या है उसके अंदर, ठीक है। ये सिलेक्शन का वर्ड तो खैर आप लोग पॉलिटिशियन में भी काफी सुनते हो, ये सिलेक्टेड है वो सिलेक्टेड है बोलते रहते हैं। तो असल चीज क्या है कि ऑर्डर इसके अंदर मैटर नहीं करता, आपने जो सेलेक्ट किया वो क्या है, ये असल चीज मैटर कर रही है। तो बच्चों काफी मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को दिए हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि सिर्फ परमोटेशन काफी नहीं है, हमें एक और कॉन्सेप्ट भी चाहिए जिसको आप कॉम्बिनेशन कहते हो। क्यों कॉन्सेप्ट चाहिए? क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा होता। आप परमोटेशन यूज करोगे आपके पास नंबर ऑफ वेज ज्यादा आ जाएंगे लेकिन कोई फायदा नहीं होगा उनसे।
एक ही चीज को बार बार अरेंज किया होगा मैटर नहीं कर रहा होगा। जैसे मैंने लॉटरी के एग्जांपल दिए, छह विनिंग टिकट जो है वो मैटर करते हैं, किस ऑर्डर में किया वो मैटर नहीं कर रहा होगा, तो फालतू आपके पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। अगर आने आपके पास छह थे तो आप फॉर एग्जाम्पल 24 आ जाएंगे, 24 के साथ, वैसे डिपेंड करेगा एग्जाम्पल के ऊपर, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर असल छह कॉम्बिनेशन थी लेकिन परमुटेशन का फॉर्मूला यूज करोगे तो 24 देगा, वो 24 का नंबर फालतू है, वो अरेंज भी कर रहा है उसको, मैटर नहीं करता, ठीक है। तो दैट्स व्हाई परमुटेशन के फॉर्मूले में अब मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि कॉम्बिनेशन एक अलग कॉन्सेप्ट बन गया, आपने देख लिया डिफरेंस, कॉम्बिनेशन में कम वेज होंगे, परमुटेशन में ज्यादा वेज होंगे, तो दैट्स व्हाई परमुटेशन में कुछ आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि आप उसको कन्वर्ट कर दो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में। पहले मैं कॉम्बिनेशन की एक डेफिनेशन आप लोगों को करवा रहा हूं, मुझे नेट पे मिली थी, बड़ी अच्छी डेफिनेशन लगी थी मुझे, तो मैं वो जरा करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। अब ये जो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है आपको चीज चीज के बता रही है कि भाई ऑर्डर मैटर नहीं करता, वो बोल रहे हैं आपको कॉम्बिनेशन कोई अरेंजमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन एक वे ऑफ सिलेक्शन है, वे ऑफ सिलेक्टिंग एलिमेंट्स, आपको बस एक तरीका है कि आप कितने तरीकों से कोई एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे सिलेक्शन फ्रॉम अ सेट, सो दैट ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन डजंट मैटर, कि आपने किस ऑर्डर में सेलेक्ट किया है, एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये करता है कि आपने किन चीजों को सेलेक्ट किया है, वो मैटर कर रहा है, ठीक है। छोटी सी डेफिनेशन है, अब इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक दो बातें बता दूं कि इसमें विदाउट रिपीटेशन है, ये नेचुरली बात है। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट की एग्जाम्पल दी थी 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, आपने दो एलिमेंट का सबसेट बनाना, तो रिपीटेशन कहां से आएगी, रिपीटेशन तो हो ही नहीं सकती, कॉम्बिनेशन हो गया, परमुटेशन हो गया, रिपीटेशन नेचुरली नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें रिपीटेशन कहां से आएगी, आ नहीं रही होगी, लेकिन कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन भी कंसिडर किया जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर भी जरा हम देख लेंगे, वो कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन को मैं गलत नहीं बोलूंगा, वो वाकई कॉन्सेप्ट है भी कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का, मैं ये नहीं बोल सकता कॉम्बिनेशन में विदाउट रिपीटेशन ही होता है, कुछ ऐसी एग्जाम्पल है जिनके अंदर कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन बन सकता है, वो एग्जांपल मैं अभी से दे रहा हूं, बता नहीं रहा लेकिन अभी से दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप एक चॉकलेट लेने गए हो, आप जब कहीं आइसक्रीम लेने जाते हो तो आप वहां देखते हो उसके पास उसने वो रखे होते हैं सेक्शन, वो क्या समझ लो कटोरी नहीं होगी, बॉक्स टाइप के रखे होते हैं जिसमें हर फ्लेवर आपने रखा होता है, फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, ये दो कंसिडर करते हैं, आपको चाहिए 4 स्कूप, तो इसमें रिपीटेशन है। सबसे पहले ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, आपको पहले वो चॉकलेट दे या पहले आपको स्ट्रॉबेरी दे, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास आ क्या रहा है, ये मैटर कर रहा है, तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन का सवाल है। दूसरी चीज है रिपीटेशन का सवाल होगा, क्यों, क्योंकि तो 4 स्कूप है, आप चॉकलेट के सारे स्कूप ले लो, पहला स्कूप चॉकलेट का, दूसरा चॉकलेट का, तीसरा चॉकलेट का, चौथा भी चॉकलेट का, तो ये तो रिपीटेशन होगी, चॉकलेट 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 चॉकलेट, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, कॉम्बिनेशन का सवाल लेकिन रिपीटेशन है। अब एक नेचुरल सवाल है ये मैं ये नहीं कह रहा कोई आइडियल केस है, जैसे परमुटेशन विद रिपीटेशन में वो आइडली आप कंसिडर कर रहे थे, तो नेचुरल यहां पे सवाल को कहोगे। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो फोर्सफुली आपको बोलते हैं कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन, लेकिन वो आपकी बुक में मौजूद नहीं है, लेकिन ये तो सवाल है ना, ये आप ये समझ लो नेचुरल सवाल है जिसमें कॉम्बिनेशन में चीजें रिपीट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल दो चॉकलेट को उठा लिए, दो स्ट्रॉबेरी की उठा लिए, तो चॉकलेट चॉकलेट स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी, रिपीटेशन आ गया इसके अंदर। तो इन सवालों की मैं एग्जाम्पल दूंगा, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन आपकी बुक में नहीं है, ये एक मुश्किल केस समझा जाता है, लेकिन बैगर्स मेथड समझाने के बाद ना ये आपके लिए कोई मुश्किल मेथड नहीं है। मैंने 7.2 का क्वेश्चन नंबर 19 जो समझाया है ना, अगर वो आपने समझ लिए तो अभी आपके लिए हलवा है, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन का भी हम देख लेंगे। अभी जो बात की जा रही है वो वाले क्वेश्चंस होंगे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, मेजॉरिटी आप देखोगे कॉम्बिनेशन के सवाल उसमें रिपीटेशन हो ही नहीं सकती, लोगों को सेलेक्ट करना है तो एक चीज को दो दफा कैसे सेलेक्ट करोगे, तो नेचुरली उसमें रिपीटेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। अब यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला जरा डिराइव करते हैं कि इसका फॉर्मूला किस तरीके से आप डिराइव करोगे, एग्जाम्पल के साथ करते हैं ताकि आपको बात समझ आए कि यार आपके पास 4 अल्फाबेट हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर लो A, B, C, D, ये 4 आपके पास अल्फाबेट्स हैं, आप सबसे पहले इनकी परमुटेशन निकालो, और जरा देखो ये समझ लो कि 4 में से आपको 3 की परमुटेशन निकालनी है, मतलब 4 ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें से आपको 3 को सेलेक्ट करना है और परमुटेशन उसकी निकालनी है, तो आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने A, B, C, मैंने बताया था परमुटेशन में भी सिलेक्शन होती है लेकिन सिलेक्शन करने के बाद आप अरेंज कर रहे होते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपने A, B, C 3 को सिलेक्ट कर लिया, अब आप अरेंज करो, ये हो जाएगा ACB, ये हो जाएगा BAC, फिर BCA, फिर CAB और फिर CBA, ये 6 परमुटेशन आपके सामने आ गई है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर आप सिलेक्ट करते हो ABD तो आप क्या होगा ABD, फिर ADB, फिर हो सकता है BAD, फिर होगा BDA, फिर होगा DAB, फिर होगा DBA, 6 परमुटेशन यहां से आ गई है। अब अगर आप देखो इसको हमने कॉम्बिनेशन में शिफ्ट करना, नॉर्मली फॉर्मूला इसका क्या बनेगा 4P3,
अगर आप प्रोडक्ट प्रिंसिपल से करोगे तो पहले पे कोई भी चार तीन दो एक ये बात है, दोनों का आंसर 24 आ रहा होगा। चार में से तीन को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं? 24। 4 फैक्टोरियल मतलब 24 वेज होते हैं। तो आपने देख लिया 6 यहां से आए, 6 यहां से आए हैं, फिर आप नेक्स्ट टाइम करना सिलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ए सी डी को 6 इसके आ जाएंगे, एक तो कर लिए 5 और आएंगे, फिर आप सिलेक्ट करना बी सी डी को और फिर 6 यहां से आ जाएंगे, 5 टोटल आपके पास 24 आ गए जो मैंने सामने आपके लिख दिए। ठीक है, ये जो 24 नंबर आते हैं परमोटेशन का मैंने आपके सामने लिस्ट बना के सब लिख दिए। अब अगर आप इस सवाल को कॉम्बिनेशन में शिफ्ट करना चाह रहे हो तो कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि वहां पे अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन मैटर कर रही होती है। परमोटेशन में आप सेलेक्ट करने के बाद अरेंज करते हो, कॉम्बिनेशन में नहीं करते। तो कॉम्बिनेशन में जो 6 की 6 लिखी हुई एक मानी जाएंगी, क्यों? इसमें आप देखो सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन है एबीसी, सबके अंदर सबके अंदर ये तीन ही अल्फाबेट है, कोई अलग नहीं है, तो कॉम्बिनेशन इसको एक ही मानेगा। कॉम्बिनेशन क्या है यार, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस ऑर्डर में लिखा है इनको, मेरे लिए फर्क पड़ता है कि है क्या, एबीसी है, दैट शुड बी एक ही माना जाएगा। इसी तरह कॉम्बिनेशन सबको एक मानेगा, कॉम्बिनेशन ये नहीं कहेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा कि आप बोलोगे एबीडी अलग है बीएडी अलग है, वो कहेगा नहीं भाई मुझे ये देखना है कि तीन अल्फाबेट कौन से, इन 6 के अंदर सेम ही तो तीन अल्फाबेट है एबीडी, तो मैं इसको एक ही कॉम्बिनेशन मानूंगा। तो यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास 6 परमोटेशन है, एक कॉम्बिनेशन है, 12 परमोटेशन है, दो कॉम्बिनेशन है। तो ऑब्जर्व करो, आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, 6 परमोटेशन डिवाइड बाय 6 वन कॉम्बिनेशन, 12 परमोटेशन डिवाइड बाय 6 टू कॉम्बिनेशन, फिर इसको भी शामिल कर लो टोटल 18 परमोटेशन डिवाइड बाय 6 थ्री कॉम्बिनेशन, फिर चौथी कॉम्बिनेशन। तो आपने क्या किया है, 24 को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब ये जो परमोटेशन का फॉर्मूला है इसके अंदर आपने जस्ट 6 से डिवाइड किया और आपके पास क्या आ गई, आपके पास कॉम्बिनेशन आ गई। लेकिन अब ये आपने स्पेसिफिक एग्जांपल कंसीडर किया, क्या हर सवाल में 6 से डिवाइड करोगे आप? फिगर आउट कर लेते हैं कि हर सवाल में आपने क्या किया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी, मैं आपको बोलता हूं तीन में से आप, अच्छा देखो कॉम्बिनेशन में सब सिलेक्ट नहीं आप कर सकते, अगर आप सब सिलेक्ट करोगे ना तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं तीन गिवन है, तीन में से तीनों को सेलेक्ट करो, तो जब इन तीन में से तीन को सेलेक्ट करोगे तो एक ही तरीका है जो ये लिखा हुआ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में अरेंजमेंट नहीं होती ना, परमोटेशन में तो उसके 6 आंसर होंगे कि 6 तरीकों से आप अरेंज कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेशन में एक ही माना जाएगा ये। तो कॉम्बिनेशन में अगर आपने सबको सेलेक्ट करना है तो वो एक ही तरीका है कि आप सबको सेलेक्ट कर लो, दैट्स इट, और कोई तरीका नहीं होता कॉम्बिनेशन में। तो नॉर्मली आप कॉम्बिनेशन के सवालों में देखोगे कि सबको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा होता, कुछ को सेलेक्ट करते हैं, मतलब सबको करेंगे आंसर वन आ जाएगा, मजा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये तीन अल्फाबेट है, मैं आपको बोलता हूँ इसमें से दो सेलेक्ट करो, परमोटेशन में क्या फॉर्मूला होगा, 3p2, 3p2 को सॉल्व करो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, आंसर 6 आ रहा होगा, 6 परमोटेशन बनेंगी, देख लेते हैं। सबसे पहले आप सेलेक्ट करो, परमोटेशन में पहले सेलेक्ट करते हो, आपने ए भी सेलेक्ट किया, आप इसको अरेंज करते हैं, एक तो इस तरह लिखोगे एक इस तरह लिखोगे, अच्छा फिर आप फॉर एग्जाम्पल ए सी सेलेक्ट करो, अब अरेंज करो सी ए, बस यही तरीका अरेंज करने का। फॉर एग्जाम्पल आप बी सी सेलेक्ट करो, अब अरेंज करो, 6 परमोटेशन आपके सामने आ गई जो आपको फॉर्मूला बता रहा था। अब क्या बाकी 6 कॉम्बिनेशन है, ये देख लेते हैं। अगेन कॉम्बिनेशन क्या कहता है भाई, मुझे तुम्हारे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर डजंट मैटर भाई, ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्या अल्फाबेट है ये मैटर कर रहा है। तो अगर आप इन दो में देखो अल्फाबेट कौन से, ए बी, तो कॉम्बिनेशन एक ही मानेगा इसको, दो नहीं मानेगा, तो दो परमोटेशन पे एक कॉम्बिनेशन। अगेन इसको देखो तो कॉम्बिनेशन कहेगा भाई दो परमोटेशन तुम्हारे घर में होंगी, है ये एक ही, तुमने दो अल्फाबेट को डिफरेंट तरीके से अरेंज किया, असल में दो ही अल्फाबेट है, तो दैट्स इसको भी एक मानेगा, इसको भी एक मानेगा। तो यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि दो परमोटेशन है एक कॉम्बिनेशन, चार परमोटेशन है दो कॉम्बिनेशन, टू से डिवाइड कर रहे हो, 2 डिवाइड बाय 2 1, 4 डिवाइड बाय 2 2, 6 डिवाइड बाय 2 3, तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। तो आपने ये बात देखी कि यार कहीं आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, कहीं आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्या मसला क्या है इसके अंदर, मतलब क्या पैटर्न आपको क्या नजर आ रहा है? पैटर्न इसके अंदर ये है कि जितने आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे कितने आपने सेलेक्ट किए थे, 3 सेलेक्ट किए थे, तो यहां पे आप परमोटेशन के फॉर्मूले को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, 3 फैक्टोरियल 6। इसी तरह यहां पे आपने कितने सेलेक्ट किए थे, 2 सेलेक्ट किए थे, तो जो परमोटेशन का फॉर्मूला है उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 2 फैक्टोरियल से। तो अगर आप जनरलाइज बात करो जो परमोटेशन का फॉर्मूला है एनपीआर, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है कॉम्बिनेशन में तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि परमोटेशन में ज्यादा आता है कॉम्बिनेशन में कम होता है, डिवाइड करोगे आप, और किससे डिवाइड करोगे, जितने ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए होंगे उतने फैक्टोरियल से।
फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं 10 में से, फॉर एग्जाम्पल, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो परमोटेशन के फॉर्मुले को। अगर आपने 4 किए हैं तो आप 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो जनरलाइज हम कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, अगर n ऑब्जेक्ट है तो हम r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो आप क्या करो r डिवाइड कर दो इसको r फैक्टोरियल से, और ये बच्चों फॉर्मूला आ जाएगा कॉम्बिनेशन का। तो जस्ट परमोटेशन के फॉर्मूले में आपने r फैक्टोरियल से डिवाइड किया, परमोटेशन कन्वर्ट होगी किसके अंदर, कॉम्बिनेशन के अंदर। ये फॉर्मूला है जो डायरेक्ट बता दिया जाता है, मैंने पूरी डेरिवेशन करवाई है, 2 एग्जाम्पल बता के आपको समझा दिया है कि ये जगह है जहां से पूरा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया है। अब मैं जरा इसको थोड़ा नीट करके लिख लेता हूं। तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला आपका क्या होगा, फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास NCR, इसको आप क्या लिखते हो, N चूज R, यहां पे कॉम्बिनेशन के अंदर ज्यादातर वर्ड चूज का यूज करते हो। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर कॉम्बिनेशन परमोटेशन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कोई सवाल परमोटेशन का है कोई सवाल कॉम्बिनेशन का है। तो यार एक तो वैसे आप सवाल को अगर बाकी समझ रहे हो ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर मैटर कर रहा है ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा, ठीक है। आप नेचुरली मैंने आपको कितने एग्जाम्पल दिए कि जिसके अंदर आप खुद फिगर आउट कर लोगे यार ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा। पता कैसे चलेगा, नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में ये चीजें फॉलो होती हैं जो मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर सिलेक्शन का वर्ड आ जाए सवाल के अंदर, चूज का वर्ड आ जाए, इसी तरीके से आपको बोला जाए कमेटी बनाओ कोई पार्टी बनाओ या कमेटी पार्टी को ग्रुप बना लो, ये वर्डिंग आ जाए, या आपको कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल हो कि यार इतने पॉइंट्स गिवन है कितने ट्रायंगल बनेंगे, ये भी कॉम्बिनेशन का सवाल बनता है। या आपको अगर बोले कि इलेक्शन हम करवा रहे हैं कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब अगेन सिलेक्शन का वर्ड आ गया, इलेक्शन आ जाए सिलेक्शन आ जाए, ये जितने वर्ड है ना ये सब इन वाले सवाल जो है ये कॉम्बिनेशन के अंदर लाए कर रहे होते हैं। और परमोटेशन के सवाल किस तरह होते हैं, परमोटेशन में ज्यादातर आपको सवाल नजर आएंगे डिजिट्स वाले कि इतने डिजिट से कितने डिजिट बना सकते हो आप, एवन कितने होंगे वाट कितने होंगे। अच्छा अल्फाबेट्स के ज्यादातर सवाल, कॉम्बिनेशन में भी अल्फाबेट है लेकिन अल्फाबेट के ज्यादातर सवाल जो है वो परमोटेशन में लाए कर रहे होते हैं। तो आप देखोगे कि यार कितने अल्फाबेट है किस तरीके से आपने अरेंज करना है। इसी तरह परमोटेशन में मेन वर्ड आपको तकरीबन हर सवाल में नजर आता है परमोटेशन के, वो होता है अरेंज, अरेंज करो लोगों को टेबल के अराउंड, अरेंज करो बेंचेस पे, अरेंज करो डिजिट्स को, अरेंज करो अल्फाबेट्स को, तो अरेंज का वर्ड काफी आपको नजर आ रहा होता है। इसके अलावा भी शायद एक दो चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं, मैंने लिखी भी थी अपने पास। हाँ किस टाइप के होंगे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स नंबर ये तो मैंने आपको बता दिए ना। अच्छा सिटिंग अराउंड टेबल का आ जाएगा अरेंजमेंट का, ठीक है। कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन, सिलेक्शन का हो गया, इलेक्शन का हो गया, ड्रॉ का भी होता है कि यार इतनी बॉल्स है हमने इतनी बॉल ड्रॉ की है इतनी बॉल निकाली है, ये भी कॉम्बिनेशन का सवाल बन जाता है। बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया। टीम बनाने का, ये भी ज्योमेट्री का होता है कि यार ज्योमेट्री कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन का होता है ये भी कि 15 खिलाड़ी हैं उसमें से 11 की टीम बनानी है, जो मैंने एग्जाम्पल भी दी थी, ये भी कॉम्बिनेशन के अंदर लाई कर रहा होता है। तो ग्रुप बनाना पार्टी बनाना टीम बनाना कमेटी बनाना ये सब सवाल जो है कॉम्बिनेशन के अंदर लाई कर रहे होते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मैं, अच्छा जरूरी नहीं कि चूज का वर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कॉम्बिनेशन के अंदर है, क्या जरूरी है कॉम्बिनेशन के अंदर है, ये वो परमोटेशन के अंदर भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपको वो एग्जाम्पल दी थी 7.1 के क्वेश्चन नंबर 7 की, उसमें वर्ड चूज आया हुआ है हालांकि परमोटेशन है। तो जरूरी नहीं कि वर्ड अगर आ गया तो आप बोलोगे नहीं यार ये कॉम्बिनेशन ही बन गया, नहीं, थोड़ी सेंस भी आपने सोचनी है। वहां पे कीपर विकेट कीपर तो मैटर करेगा ऑर्डर वहां पे, तभी मैंने बोला था सबसे पहली चीज ही बोली थी यार सेंस काम करेगी आपकी, मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट दिए तो सेंस सोचो क्या चीज बन रही है इसका। खैर फॉर्मूले पे आ जाओ, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा, एनसीआर का फॉर्मूला आ जाएगा एनपीआर जो परमोटेशन का फॉर्मूला है, उसमें मॉडिफिकेशन ये करो कि परमोटेशन के फॉर्मूले को डिवाइड कर दो आर फैक्टोरियल से। अच्छा परमोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये परमोटेशन का फॉर्मूला है, इसको आपने डिवाइड करना है आर फैक्टोरियल से, तो ये आर फैक्टोरियल होता है। मतलब ये जो थी ना ये पूरा न्यूमरेटर था, अगर आप इसको खोल के लिखोगे ना इस तरह तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो फ्रैक्शन में रूल होता है कि अगर ऊपर एक फ्रैक्शन है नीचे बस एक ही नंबर लिखा हुआ है तो इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, इस तरह लिख देता है। तो ये बच्चों आपके पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसको आप बोल सकते हो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन यू हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू पिक या सेलेक्ट या चूज आर एट अ टाइम, कि आपके पास 10 है जिसमें से आपने 3 चूज करनी है तो उसकी कॉम्बिनेशन क्या होंगी, 10C3, एन है टोटल और आर है एट अ टाइम आपने कितने सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगेन जैसे परमोटेशन में शर्त थी वो मैंने लिखवाई दी थी वहां पे, लेकिन बाद में मैंने बता दी थी कि जो आर है वो डेफिनेटली या तो लेस होगा एन से
या एक ही केस है जिसमें बराबर हो सकता है, और अगर बराबर होगा तो एक ही कॉम्बिनेशन आएगी, आर कभी बड़ा नहीं हो सकता, सेंस ही बनती इस बात की। ये कॉम्बिनेशन का एक ही फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन में ऐसा कोई रूल्स नहीं है यहाँ पे कि डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे नहीं आपकी बुक में मिलेगी। हाँ, कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एंड पे बता दूंगा जब कॉम्बिनेशन का पोर्शन कंप्लीट होगा, और यह शायद अभी बता दूं, डिपेंड करेगा जो मेरा मूड है। अब कुछ केसेस है, मैं इसके बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आप निकालो एनसीएम, तो मैंने बताया एनसीएम का आंसर वन है, आप इस फॉर्मूले में पुट करके देख लेना, आर की जगह एन फैक्टोरियल आ जाएगा, यहाँ पे आर की जगह एन आ जाएगा, n माइनस एन ये जीरो हो गया, इसको वन कर लो, और यहाँ पे जो n फैक्टोरियल है वो ऊपर से डिवाइड हो गया, आंसर वन आ जाएगा। तो याद रखना, जितने ऑब्जेक्ट है अगर उन्हीं को आप सिलेक्ट कर रहे हो तो फिर एक ही कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं आएंगे। सेम चीज बराबर है एनसी जीरो के लिए। ये मैं आपको परमोटेशन में ही बात क्लियर की थी कि अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है और आप उसमें से जीरो को सिलेक्ट करो, मतलब नथिंग, कुछ भी सिलेक्ट नहीं आपने किया, तो दुनिया को किस तरह दिखाओगे? दुनिया को नथिंग दिखाओगे भाई। दस ऑब्जेक्ट में से अगर आपको बोला कुछ भी सिलेक्ट ना करो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो आप बोलोगे नथिंग कॉम्बिनेशन बनेगी, नथिंग दिखा दो उनको, एक ही पॉसिबिलिटी है। आइडियल केस है, लेकिन आप फॉर्मूले से तो प्रूफ कर सकते हो। अब आर की जगह जीरो, यहां पर भी जीरो पुट कर दो, दोबारा आंसर जो है इसका बना जाएगा। तो एनसी जीरो जैसे एनपी जीरो वन होता था, यहाँ पे एनसी जीरो भी क्या होगा? वन के बराबर होगा। और एक और केस डिस्कस करते हैं, अगर आपके पास आ जाए एनसी वन, इसको लॉजिकल समझो, फॉर्मूला तो यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एन ऑब्जेक्ट है उसमें से आपने एक सिलेक्ट करना है तो कितनी कॉम्बिनेशन बनेंगी? एन कॉम्बिनेशन बनेंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलूं यार मेरे पास चार ऑब्जेक्ट है ए बी सी डी, इसमें से आपको ए को सिलेक्ट करना है, कितनी कॉम्बिनेशन है? चार कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले ए को सिलेक्ट किया, ए को सिलेक्ट करना है ना, एन सी वन, आर मतलब यहाँ पे वन है, ए को सिलेक्ट करना है, तो ए आ गया। अब एक ही है भाई, क्या करोगे इसके साथ? फॉर एग्जाम्पल, आपने बी को कर लिया, ये दूसरी कॉम्बिनेशन, सी को कर लिया, डी को कर लिया, चार ही कॉम्बिनेशन आएंगे, चार अल्फाबेट है तो चार ही है। तो अगर एन है उसमें से आपने एक ही कॉम्बिनेशन बनानी है तो एन के बराबर ही होगा, उसमें कोई नई चीज नहीं होगी।